केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में चारों दिन आप सबका मुझ वेलकम करता हूँ। तो आज हम लोग पॉलीमर करेंगे और पॉलीमर का एक टॉपिक करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो सबसे पहले समझिए कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर्स। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड मर्स मीन्स क्या होता है, मॉलिक्यूल, मीन्स मैनी मॉलिक्यूल। एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर बोलते हैं, और वो जो बड़े वाला मॉलिक्यूल बन जाता है उस बड़े वाले मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। लाइक एक बिल्डिंग है, बड़ी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। एंड उसके अंदर आपने जो ब्रिक्स यूज की है, ईंटें जो आपने यूज की है, उनको आप लोग क्या बोलोगे, मोनोमर बोलोगे। तब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे जो पॉलीमर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर्स आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट इलास्टोमर्स, सेकंड फाइबर्स, थर्ड थर्मोप्लास्टिक, फोर्थ थर्मोसेटिक। इलास्टोमर्स पॉलीमर्स, फाइबर्स पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो बात करते हैं इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स नाम से क्लियर है, इलास्टिक होती है ये, और इनकी जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती है वो क्या होती है, वीकेस्ट होती है। और बात करें एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, अगर आपको पता हो नेचुरल रबर हमें ट्री से प्राप्त होती है, उस ट्री का भी नाम क्या होता है, रबर ट्री होता है। और ये कहां पे मिलता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ये मिला करता है, जो समुद्री इलाके के पास ही मोस्टली मिलता है। बाकी नेचुरल रबर के बाद इससे वल्केनाइज रबर बनाई जाती है। जब नेचुरल रबर में हम लोग सल्फर ऐड करते हैं तो उससे वल्केनाइज रबर बनती है, वो भी हमारा एग्जांपल होता है किसका, इलास्टोमर्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स क्या होती है, जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांगेस्ट, सबसे स्ट्रांग फाइबर। सिंपल है, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होगा इनका, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड इसमें हम लोग कर सकते हैं नायलॉन फैमिली, जैसे नायलॉन 6-6 या फिर नायलॉन 6-10। नेक्स्ट हमारे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखिए ये जो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग है, इनको हम डिफरेंस की फॉर्म में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। समझिए, थर्मो मीन्स होता है हीट एंड प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग भी एक तरह की प्लास्टिक ही होती है, बट ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। बट ये वाले जो पॉलीमर होते हैं, ये जो थर्मोसेटिंग वाले जो प्लास्टिक होते हैं, बड़ी हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, मतलब एक लास्ट क्वालिटी की मतलब प्लास्टिक होती है कि हाँ भाई इसके बाद तो मतलब इसको हम दोबारा यूज करेंगे ही, बिल्कुल जितना हार्ड बना सकते बना दो, इसके बाद हमने इसको यूज करना ही नहीं है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, नाम से समझिए, थर्मो मीन्स हीट, प्लास्टिक जिसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, वो शेप कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन। ऑन हीटिंग ये गर्म करो और इनकी शेप को क्या होगा, चेंज कर दो। ये थर्मोसेटिंग होते हैं, इनकी शेप को बार बार नहीं चेंज कर सकते, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाती है प्लास्टिक की, मतलब फुल हार्ड होते हैं ये, और इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इनका हम दोबारा यूज ना कर सके, तो शेप कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अब इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो इनको रिमोल्ड भी किया जा सकता है, नई चीजें बनाई जा सकती हैं, इनटू टॉयज एंड बकेट्स। इनके केस में ऐसा नहीं है, लास्ट स्टेज है, रिमोल्ड होएंगे नहीं, बस खत्म ही होएंगे इसके बाद तो। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक की, अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं पूछता हूं आपसे तो किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक है स्ट्रॉन्ग, ये भी है, थर्मोसेटिंग एक प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग, ये भी है, ये स्ट्रॉन्ग है
और थर्मोसेटिंग इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, पोलिथीन, इसके एग्जाम्पल कर सकते हो आप लोग, पीवीसी, पैन, ये सब क्या है थर्मोप्लास्टिक में। और थर्मोसेटिंग में आप कर सकते हो बैकेलम। तो ये था हमारा सिंपल सा पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कुछ कमियां हैं, आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।